जल्द ही टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल भारत में 5G नेटवर्क सेवाएं शुरू करने वाली हैं। 5G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन 5G में ऐसा है क्या? 5G नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जिसकी कनेक्टिविटी 4G नेटवर्क से करीब 100 गुना तेज होने की बात कही जा रही है। इसके जरिए आप 2GB की मूवी महज 10 सेकंड में डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही ये गेमिंग के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। लेकिन क्या ये 5G नेटवर्क 4G स्मार्टफोन में सपोर्ट करेगा? अगर हाँ तो इसे चेक कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स पर जाएं, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर क्लिक करें, सिम सेलेक्ट करें, प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर 5G लिस्टेड होगा सिर्फ तभी आपका फोन इसे सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको नया 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सी कंपनीज 5G स्मार्टफोन बेच रही हैं, लेकिन मार्केट में पोको, OnePlus और Realme जैसी कंपनीज के 5G स्मार्टफोन महज 13,000 से शुरू होते हैं, जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 4G से भी तो काम चल ही रहा था, तो 5G के आने से फायदा क्या होगा? इससे होगा ये, अभी भी बहुत सी जगहों पर 4G नेटवर्क अपनी पहुंच नहीं बना पाया है। 5G आने के बाद कंपनी अपने नेटवर्क की रेंज बढ़ा सकेगी, जिससे उन जगहों तक भी नेटवर्क पहुंच सकेगा जहां अभी नहीं पहुंचा है। इंटरनेट स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिससे हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन या 4K में वीडियो चैट कर सकेंगे। साथ ही बिना वाईफाई नेटवर्क के भी वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो चैट पॉसिबल हो सकेगी। हालांकि 5G प्लान्स की कीमतों को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि अगस्त के अंत तक टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल अपने 5G प्लान्स लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि